हेलो स्टूडेंट, आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, जो कि मैंने सोचा कि आपको बहुत ज़रूरी है बताना, इसलिए। और आप लोग जो है पूछते भी रहते हैं, कुछ स्टूडेंट पूछते रहते हैं कॉल करके, कुछ तो व्हाट्सएप पे, है ना। तो आप लोग जो है एग्ज़ाम के BSc वाले स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर वाले भी कॉल करते रहते हैं, और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं। तो आप लोग जो है टेंशन ना लें, मैं आज आपको इस वीडियो में एग्ज़ाम के लिए बताएंगे, जो कि हमें न्यूज़ मिली है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी जो है बताना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप वीडियो पर बने हैं तो अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी जान सकें कि पेपर आपके BSc के कब होंगे या कब से शुरू होंगे, है ना। तो आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ये नहीं कि जो है पूरी तरह से स्टॉप कर दो अपनी पढ़ाई, है ना, रोक दो पूरी तरह से। और कोई BSc थर्ड ईयर का है तो थर्ड ईयर में तो एग्ज़ाम होने ही वाले हैं, होंगे श्योर है। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। तो आपको हम स्क्रीन पर ले चलते हैं, जो हमें जानकारी मिली है वो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे आगे भी। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि पेपर कब से हैं, जो हमें जानकारी मिली है, ठीक है। तो आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर, तो आप लोग देख लीजिए कि UG PG फाइनल के छात्रों की होगी परीक्षा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आप भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये न्यूज़पेपर है जो कि हमें मिला है, ठीक है। तो देख लीजिए, 30 सितंबर तक होंगी परीक्षाएं, 15 से 31 अक्टूबर तक परिणाम, ठीक है। तो देखिए, राज्य ब्यूरो लखनऊ और राज्य विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज, प्राविधिक विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग तथा मैनेजमेंट कॉलेजों में पढ़ रहे स्नातक UG व स्नातकोत्तर UG के फाइनल ईयर के विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद ही उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। आप ऐसे उत्तीर्ण घोषित नहीं माने जाएंगे, आपका जो है एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए आप तैयारी करते रहिए। और आगे देखते हैं, उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने के लिए दो विकल्प दिए हैं। विश्वविद्यालय चाहे तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के सुझाव के अनुसार, या फिर शासन द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रो NK तनेजा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों के अनुसार प्रोन्नत कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि UG व PG फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक संपन्न होंगी। परीक्षा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकेंगी। आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, बताया जा रहा है कि परीक्षा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में होंगी, ठीक है, हो सकती हैं, ठीक है। और UG का रिजल्ट 15 अक्टूबर व PG अंतिम वर्ष का परिणाम 31 अक्टूबर तक घोषित होगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन विश्वविद्यालयों में कुछ विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनके अंक रिजल्ट में शामिल किए जाएंगे। ऐसे विद्यार्थी जो लॉकडाउन से पहले हुई परीक्षा में अलग अलग विषयों में पास हैं या बैक पेपर के लिए अहर हैं, उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा।
जो बैक पेपर के लिए भी अहर नहीं हैं उन्हें प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुन रहे हैं ना, जो स्टूडेंट का पेपर अच्छा हुआ है लॉकडाउन के पहले, वो बैक पेपर के लिए अगर अहर हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा, और जो बैक पेपर के लिए भी अहर नहीं हैं उन्हें प्रोन्नत नहीं किया जाएगा, मतलब पास नहीं किया जाएगा। और 7 सितंबर से होंगी इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट की परीक्षाएं। प्राविधिक विश्वविद्यालयों व इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों में बीटेक, बी आर, बी फार्मा, एमटेक, एमआर व एम फार्मा आदि कोर्स की थ्योरी परीक्षाएं 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। प्रयोगात्मक परीक्षाएं 1 सितंबर से 5 सितंबर के मध्य आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होंगी। समझ गए ना, जो आपके प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी, ठीक है, वो सॉरी जो थ्योरी परीक्षाएं 7 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के मध्य आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होंगी ये, ठीक है। इनका जो है कब होगा, 7 सितंबर से 5 सितंबर के मध्य आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होंगी, ठीक है। ध्यान से सुन रहे हैं ना आप, परीक्षा परिणाम 30 सितंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। प्रथम वर्ष का नया शैक्षिक सत्र 1 सितंबर से और तृतीय व पंचम सेमेस्टर तथा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की पढ़ाई 15 सितंबर से शुरू होगी, ठीक है। आप देख लीजिए, आप बीएड वालों के लिए थोड़ा सा, क्या बीएड के विद्यार्थी भी होंगे प्रोन्नत? बीएड कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भी पिछली कक्षा के अंकों के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से इसकी अनुमति ली गई है। अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी, ठीक है। तो बीएड वाले जो हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर जो स्टार्टिंग है उनकी, उनको जो है प्रोन्नत कर दिया जाएगा, और जिनकी अंतिम सेमेस्टर है उनके वो विद्यार्थी जो है परीक्षा, उन विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी, ठीक है। तो आपको, आपने देख लिया होगा कि आपका पेपर जो है फाइनल ईयर वालों के लिए 30 सितंबर तक होंगी परीक्षाएं, ठीक है, 15 से 31 अक्टूबर तक इनका परिणाम दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ और, ज़्यादातर विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को राजी है, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जागरण ब्यूरो नई दिल्ली। देश के ज़्यादातर विश्वविद्यालय अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की संशोधित गाइडलाइन के तहत परीक्षाएं कराने को तैयार हैं। UGC ने यह गाइडलाइन 6 जुलाई को जारी की थी। इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की लंबित परीक्षाओं को कराना जरूरी है। UGC ने इसके लिए विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक का समय भी दिया है। पहले इन परीक्षाओं को 1 से 15 जुलाई के बीच कराया जाना था, ठीक है, जिसे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए आगे बढ़ाया गया है। और विश्वविद्यालय का यह रुख ऐसे समय सामने आया है जब अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर जारी की गई UGC की संशोधित गाइडलाइन का कई राज्यों में विरोध हो रहा है। फिलहाल अब तक जिन राज्यों ने गाइडलाइन को लेकर आपत्ति जताई है उनमें दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान शामिल हैं, ठीक है। तो आपने सुन लिया होगा ध्यान से कि ज़्यादातर विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को राजी हैं, ठीक है। तो जो भी अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं BSc, BA और MSc मास्टर डिग्री में, ठीक है, आप लोग जो है अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर बहुत जल्द होने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोग ये आशा न करिए कि हमें प्रोन्नत कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको
कायदे से मेहनत करना होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट लापरवाही कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को परसेंटेज को भी ध्यान देकर रखना है और अपने जितने भी जो है पेपर्स हैं सारे पेपर्स को कायदे से रिवाइज करो और टाइम दो अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट्स भाई कंपटीशन की तैयारी भी करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, तो आप कंपटीशन को अभी कुछ दिन के लिए रोक दो और आप अपनी तैयारी करते रहो, या फिर कंपटीशन के लिए एक घंटा दो और अपने लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए आप ज़्यादा समय दो, क्योंकि आपका पेपर ये आपके भविष्य के लिए है। ठीक है, तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।